अपनी 40 वर्ष की नौकरी के दौरान 30 वर्ष तक कर्मचारी नेता रहे और 30 वर्ष के कार्यकाल में 10 साल तक हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे विजय कुमार कौल नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 6 से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कर्मचारियों के हित के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाले पूर्व वन विभाग से सेवानिवृत्त कर अधिकारी विजय कुमार कौल कोतवाली बाजार को मॉडर्न वार्ड बनाने का सपना लिए चुनावी जंग में बतौर आजाद उम्मीदवार उतरे हैं। पहले भी लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के बाद अब चुनावों में उतरकर और जनता का प्रतिनिधि बनकर लोगों के लिए काम करने का विजन रखते हैं। कई सालों तक हिमाचल के वन विभाग में बतौर अधिकारी के रूप में सेवाएं प्रदान करने वाले विजय कुमार कौल नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 6 कोतवाली बाजार से मैदान में है। वहीं उनका चुनावी प्रचार अभियान अब जोरों से चल रहा है, जिसमें काफी अधिक लोगों की भागीदारी देखने को मिल रही है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में आम लोगों की समस्याओं वो विकास को लेकर काम करने की बात को सबसे ऊपर रखा है। उनका मानना है कि पहले स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को केवल ठगा गया है और कोई भी काम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वह पूरा समय लोगों को देंगे और उनकी सभी समस्याओं का निवारण करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। मैं वार्ड नंबर 6 से एक एजेंडे के तहत काम कर रहा हूं, जिसमें मैं हर मोहल्ले में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाऊंगा, सफाई का ध्यान रखूंगा, आवारा पशुओं को एक निश्चित स्थान पर रखूंगा और हर आदमी जिसको मेरी ज़रूरत होगी उसको मैं, जब वो दूरभाष से मुझे फ़ोन करेगा तो मैं उसको घर में जाकर उसकी मदद करूंगा, उसकी समस्या को हल करूंगा। और मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें मेरा हर नागरिक जो है वो मुझसे उसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल कर्मचारी परिसंघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और मुख्य सचिव स्तर की मैंने मीटिंगें की हैं, जिसमें कई मुद्दे मैंने ज्वलंत मुद्दे कर्मचारियों के उठाए थे और उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कई हमारी जो मांगे हैं वो पूर्व सरकारों ने पूर्ण भी की थी। जब उचित जो मुझसे भी अच्छे काबिल जो व्यक्ति थे, जब उनको टिकट नहीं दी गई, इसलिए मेरा ये हमारा सामूहिक निर्णय है हमारे बचपन के दोस्तों का कि मुझे चुनाव लड़ना पड़े। बाकी रहा आरएसएस से, मैं उनका स्वयंसेवक हूँ आरएसएस का और विचारधारा से जुड़ा हूँ। मैं उनकी कार्यशैली भ्रष्ट और भ्रष्टाचार से संलिप्त रही थी और जो बीजेपी के 3 पार्षद हैं वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर हनीमून मनाते रहे, अब अलग अलग जगहों से अलग अलग निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने फॉरेस्ट से रिटायर हुआ हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि दीवार पर पोस्टर लगाया जाए, मैंने खुद भी कई पोस्ट लगाए, मैं इसको साफ सफाई रखूंगा और पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्माण करना है उस आधार पर करूंगा। सबसे बड़ा मेरा मकसद रहेगा कि नालियों की व्यवस्था ठीक हो, कूड़ा समय पर जल्दी उठाया जा सके, आवारा पशुओं को नियंत्रण किया जाए और जो भी उनके वहाँ पर रेस्क्यू सेंटर है उसमें रखा जाए। अब बच्चों के प्रति आपका क्या रहेगा? बच्चों के प्रति ये रहेगा कि अगर मैं बच्चों को ये गाइड करूंगा, ऐसे कुछ प्रोफेसर मेरे दोस्त हैं जिनको ये कहूंगा मुफ्त में वो कोचिंग दें उनको, ताकि वो अपने इंटरव्यू में उत्तीर्ण हों। थैंक यू।